मौजूदा दौर में युवाओं की बड़ी भूमिका है, राजनीति की बात करें या हर क्षेत्र की बात करें, इसमें युवाओं की अहम भूमिका है और युवाओं के साधने के लिए अलग अलग तरीके सभी दल आजमाते रहे हैं। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे, यूथ कांग्रेस का कैंपेन शुरू होने वाला है, भूपेश है तो भरोसा है, इसको लेकर हम सीधे बात करेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा, ये किस तरह का कैंपेन है और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? भूपेश है तो भरोसा एक ऐसा कैंपेन है जिसमें भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लिए अलग अलग काम किया है, किसानों के अलग किया है, आदिवासियों के अलग किया है, युवाओं के अलग किया है, महिलाओं को अलग दिया है। सरकार की योजना अलग, बहुत सारी योजना थी जिसका लाभार्थी लोग हुए हैं। उसी योजनाओं को लेकर यूथ कांग्रेस जो है हर विधानसभा में इस प्रदेश में 50 लाख घर हमारा टारगेट है। हम सरकार की योजनाओं को एक पॉम्पलेट के माध्यम से और लाभार्थी कार्ड के माध्यम से हम लेके जाएंगे और जनता सर्वे करेंगे कि हम आपके घर जाएंगे, पूछेंगे कि इस योजना का लाभ को मिला कि मिला, स्वामी आत्मा का लाभ मिला कि नहीं, बिजली बिल हुआ कि नहीं हुआ। शहरी और ग्रामीण विधानसभा को अलग अलग हम बांटे हैं और हमारे इसका हम प्रशिक्षण भी चालू कर दिए। आज से पूरे लोकसभा अनुसार प्रशिक्षण चालू हो चुका है, आज 5 जगह प्रशिक्षण है और आने वाले 2-3 दिनों में पूरे लोकसभा स्तर पर प्रशिक्षण चालू हो जाएगा और इस कैंपेन को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और लाभार्थी कार्ड के माध्यम से। कैंपेन में केवल यूथ कांग्रेस के लोग शामिल होंगे कि एनएसयूआई के भी युवा शामिल होंगे या कांग्रेस के दूसरे मेंबर भी शामिल रहेंगे? क्योंकि ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई है, तो ये कांग्रेस को लीड करेंगे और आगे इसे कैंपेन व्यवस्थित होते जाएगा कि 50 लाख घरों में जाना है, तो धीरे धीरे ये कैंपेन बढ़ता जाएगा तो फिर आगे अन्य संगठन को भी इन्वॉल्व करते जाएंगे। इसी कड़ी में एक बात करूं कि मुख्यमंत्री भी युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं, भेंट मुलाकात की तर्ज पर वे युवा संवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, संभागीय स्तर पर युवाओं से सीधे संवाद करेंगे, तो आपके हिसाब से इस संवाद से क्या लाभ होगा और किस तरह की बातें निकल कर सामने आएगी? निश्चित मुझे लगता है कि मैं बहुत सब बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि युवा अपनी समस्या जो है डायरेक्ट अपने मुख्यमंत्री को बता पाएंगे और इसे बड़ा बड़ा कारण भी है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर युवा वर्ग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं जो योजनाओं में दिखता है तो भूपेश बघेल जी की योजनाओं में दिखता है, चाहे युवाओं को रोजगार का अवसर देना हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे राजीव मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम करना हो और चाहे संगठन के अंदर भी हो और तमाम युवाओं से बड़ा एक प्रेम है। भूपेश बघेल जी का काका का शब्द जो उल्लेख हुआ है इस प्रदेश में भी युवाओं ने उनको दिया है, तो ये बड़ा अवसर होने वाला है कि युवा अपनी समस्या, मुझे लगता है कि युवा बहुत सारे सवाल अपने मन में लेके जाएंगे और भूपेश बघेल से बात करेंगे। युवाओं को काफी उम्मीद रहती है सरकार से, सीएम साहब से या पूरी प्रशासन से, आपको क्या लगता है उनकी उम्मीदों को लेकर सरकार किस तरह से काम करी और आगे उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे? निश्चित रूप से कोरोना का कार्यकाल आ गया तो सरकार की बहुत सरकार की सोच है, लेकिन सरकार अगर की सोच नहीं होती तो 15,000 शिक्षा की भर्ती नहीं होती, महाविद्यालय में सीट की बढ़ोतरी नहीं होती, या तमाम चीजें जो युवाओं को जोड़ने का भूपेश बघेल जी काम करते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें परीक्षा शुल्क माफ करने की बात हो, तमाम छोटी चीज़ों पर भूपेश बघेल जी ध्यान देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा अपनी बात भी रखेंगे और भूपेश बघेल जी उनकी बात सुन के उनके लिए कुछ बड़ा फैसला भी लेंगे। बिल्कुल शुक्रिया। तो ये थे आकाश शर्मा, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो अभियान है भूपेश से भरोसा है, इसके माध्यम से भूपेश सरकार की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ युवा संवाद जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उससे भी लोग युवा सीधे मुख्यमंत्री से बात कर अपनी बातें रख पाएंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।